अगर दोस्तों आपको भी टिकटॉक के लिए माइक बनाना है या यूट्यूब के लिए माइक बनाना है तो आपको क्या करना है कि आज के वीडियो में बताऊंगा माइक कैसे बनाना है। क्या होता है दोस्तों, कुछ लोगों का बजट नहीं होता माइक लेने का, और मेरा खुद अभी बजट नहीं है माइक लेने का, इसलिए मैंने ये माइक बनाया। आप देख सकते हो मेरे कॉलर पर लगा हुआ है माइक, कॉलर माइक। तो आपको भी बताऊँगा कैसे बनाना है दोस्तों। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, नए होकर चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर देना, और ये वीडियो को शेयर भी कर दो जाके जो भी टिकटॉक भाई लोग हैं अपने, तो वो शायरी बनाने सीखने के लिए माइक बना सके। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों लाइक कर देना वीडियो को। मुझे बहुत सी कमेंट आई थी दोस्तों कि रिकॉर्ड करने के लिए भाई माइक कौन सा यूज़ करें। अगर दोस्तों आपका अच्छा खासा बजट है तो आप बोया M1 माइक लेके आओ। ये दिख रहा हूँ आपको, ये वाला माइक बहुत अच्छी बेटर क्वालिटी देता है दोस्तों। ये लैपटॉप में भी सपोर्ट होता है, DSLR में भी सपोर्ट होता है, और आपके मोबाइल में भी सपोर्ट होता है। और अगर दोस्तों आपका कम बजट है तो आज की वीडियो में जो बता रहा हूँ वो वाला माइक आप बना लेना। और दोस्तों आपका अगर कम बजट है तो आज जो वीडियो में बता रहा हूँ वो माइक आप बना लेना, बहुत अच्छी एक बेटर क्वालिटी देता है। मैंने खुद ये मेरा माइक बनाया हुआ है, आपको क्वालिटी कैसी लग रही है बता देना मुझे कमेंट करके। और तीसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपको ये दो भी नहीं ले सकते आप, तो आपके पास एयरफोन होंगे तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन इतना कि एयरफोन की थोड़ी बैड क्वालिटी आती है, इतनी क्लियर क्वालिटी आती नहीं है, क्योंकि हम जो भी आवाज़ बोलते हैं तो उसमें फ जो करके हमारी जो आवाज़ आती है ना, तो वो आवाज़ आ जाती है। और अगर आपके पास एयरफोन भी नहीं है तो आप क्या करो कि इस तरह से मोबाइल लो, और एक आपके पास रुमाल या दस्ती जो भी बोलते हो आप वो लो, और इस तरह से इस पर रख कर आप रिकॉर्ड करो, ताकि जो हमारी फ करके आवाज़ आती है ना, तो वो मोबाइल में नहीं जाए। तो इस तरह से रिकॉर्ड हम कर सकते हैं दोस्तों, तो इस तरह से रिकॉर्ड करना। और हाँ, अगर आप कैमरे से रिकॉर्ड करते हो आपकी शायरी, तो क्या होता है कि मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है। हमारा जो माइक होता है ना, वो हमारे कंपनी मतलब सिस्टम के कैमरे में सपोर्ट नहीं होता, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आपको आई बटन में मिल जाएंगी, वो देख लेना। तो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए, कैसा बनाना है माइक वो बताता हूँ, तो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहली बात कि आपके घर पर जो ख़राब एयरफोन होंगे आपके पास, जो ख़राब हुए और आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो, आप फेंके हुए हैं या घर में पड़े हुए हैं, तो आपको वो ले लेनी है। उसमें आपको क्या करना है कि एक हमें पिन चाहिए, जैक पिन होती है ना, तो हमें वो पिन चाहिए। तो आपको वो पिन की ज़रूरत पड़ी है, आप देख सकते हो ये वाली पिन हमें चाहिए, तो हमें ये पिन की ज़रूरत पड़ी है। और दोस्तों ध्यान रखना, वो जो पिन चाहिए हमें जैक पिन, तो वो इस तरह की चाहिए जिसमें 3 लाइन होनी चाहिए। 2 लाइन वाली भी आती है, लेकिन उसमें क्या होता है दोस्तों, माइक का सिस्टम नहीं होता है, तो हमें यही जैक पिन चाहिए, तो आप ये ले लेना। और हमें क्या करना है कि हमें एक माइक चाहिए दोस्तों, तो हमें माइक कहाँ से लेना है मैं आपको बताता हूँ कि एयरफोन में ही एक यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक माइक होता है, आपको मैं काट के बता देता हूँ, ये माइक होता है दोस्तों। तो आपको ये माइक भी चलेगा, तो कुछ इस तरह से आपका वो माइक निकलेगा आपके एयरफोन में, इस तरह से आता है वो बटन पर लगा हुआ, तो आप इसे क्या होना काट देना या निकाल लेना सोल्डरिंग से। या फिर दोस्तों आपके पास एक ख़राब मोबाइल होगा घर पर, तो आप क्या करो कि उसमें से एक माइक काट लो। माइक कुछ इस तरह से होगा दोस्तों, बारीक आता है, छोटा सा माइक आता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों आपको बताऊंगा कि मोबाइल का जो माइक आता है वो पावरफुल होता है, तो आप क्या करो वो माइक काट लो, वो माइक भी आपको चलेगा। लेकिन अगर आप एयरफोन का लगाना चाहते हो तो एयरफोन का भी लगा सकते हो, क्योंकि वो बड़ा माइक होता है। तो आपको मैंने बता दिया है, ये जो पहला माइक है ये एयरफोन का है, जो दूसरा माइक है वो मोबाइल का है। तो दोस्तों पहला माइक जो है वो अच्छा होता है, पर मेरे हिसाब से मोबाइल का माइक पावरफुल होता है, लेकिन आपको एयरफोन का माइक भी चलेगा। अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने ये एयरफोन के माइक से बनाया है, तो आपको खुद पता चल जा रहा है कि ये बेटर क्वालिटी दे रहा है या कैसी क्वालिटी दे रहा है। तो आपको क्या बनाना है ये आप देख लेना, ये मेरा एयरफोन का माइक है। आपको बहुत माइक मिल जाएंगे दोस्तों, ख़राब एयरफोन में आपको बहुत से माइक मिल जाएंगे जो आप निकाल कर आपको आप लगा सकते हो। तो ये एक एयरफोन है, और बाकी एयरफोन अब इसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ। आपके घर पर एक स्पंज या कुछ भी वगैरह होगा, तो आपको करना है ये माइक के ऊपर से लगाने के लिए, जो बाहर की नॉइज़ होती है ना दोस्तों वो नहीं आती है, तो एक्स्ट्रा नॉइज़ जो है वो नहीं आती है, तो आपको एक स्पंज लगेगा, तो आप वो लेकर आ जाना कहीं से। आप देख सकते हो मेरे मोबाइल को भी मैंने वही स्पंज लगाया है, जिसकी वजह से बाहर की नॉइज़ नहीं आती है। आपने मेरा जो वीडियो देखा, आपने देखा होगा उसमें बाहर की नॉइज़ नहीं आती है और बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होता है। तो आपको करना है कि वो एक स्पंज ला लेना है आपको लगाने के लिए। इसके बाद दोस्तों आप क्या करो कि जो मैंने आपको पिन बताई है ना, तो आप उसे यहाँ से मतलब सबसे पहले तो आप क्या करो कि उसे यहाँ से काट दो,
आपका जो एयरफोन होता है ना, तो यहाँ से उसे काट दो ताकि जो बाहर का हिस्सा है वो निकल जाए। और आपको करना है कि उसे छील लेना है, मतलब छील लेना है आपको, बताएं। और उसमें चार वायर निकलेंगे, आप देख सकते हो चार वायर आपको दिख रही है, एक रेड आती है, एक हरी आती है, और ब्लू भी आती है, और एक येलो भी आती है। तो आप क्या करो कि इसे छील लेना है, और इसमें से हमें दो वायर कट कर देने हैं दोस्तों, एक ग्रीन वायर और एक येलो वायर आपको कट कर देने हैं दोस्तों। और सिर्फ दो ही वायर हमें चाहिए, मतलब हमें चाहिए सिर्फ एक नीले कलर की और हमें चाहिए सिर्फ एक रेड। तो दो वायर हमें चाहिए। क्या होता है, एक रेड जो है ना तो वो माइक की होती है, और जो नीली है तो वो क्या होता है कि ब्लू मतलब नीली, तो वो हमें एक्स्ट्रा चाहिए, ग्राउंड रहती है वो, तो हमें दो ही वायर चाहिए। बाकी दो जो है वो स्पीकर की होती है। तो हमें क्या करना है कि दो वायर को इस तरह से ज्वाइन कर देना है माइक से। तो आप क्या करो कि माइक से ज्वाइन करने के लिए आप कहीं आपके मोबाइल की शॉप होंगी या आपके घर पर सोल्डरिंग होंगी, तो वो 80 रुपये की आती है दोस्तों। तो आप क्या करो कि आप अगर कहीं आप हो देहात हो कहीं भी हो, तो एक शॉप होगी किसकी मोबाइल की, तो आप क्या करो वहाँ पर जाओ, 10 5 रुपये लेगा। आप उसे कह देना है कि भाई मुझे यहाँ पर इसे सोल्ड कर दे दे, और 10 5 रुपये आप उसे दे दो। वरना आप क्या करोगे, 80 रुपये की एक सोल्डरिंग आती है, आपको हमेशा काम आएंगी, तो आप वो लेकर आ जाओ। तो दोस्तों मैंने जो माइक लगाया है वो सैमसंग मोबाइल का है, E1200 का। तो आप देख सकते हो ये माइक ओरिजिनल आता है, आपको पता होगा कि सैमसंग मोबाइल के माइक की क्वालिटी कितनी बेटर होती है। तो मैंने ये माइक लगाया है, तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने सोल्ड कर दिया है। ये जो मोबाइल है दोस्तों, आपके पास भी कोई एक मोबाइल होगा उसमें से आप माइक काट लेना, बहुत अच्छे से क्वालिटी देता है मोबाइल का माइक। ये आप देख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर रहता है माइक। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दो डॉट दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर वो माइक लगा होता है। तो आप यहाँ से क्या कर लेना कि सोल्डरिंग से वो माइक काट लेना। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो एयरफोन का भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास है तो आप क्या करो कि मोबाइल का माइक यूज़ करो, बहुत अच्छी क्वालिटी देगा। ये देख सकते हो आप, सैमसंग का माइक है, बहुत अच्छी क्वालिटी देगा दोस्तों। मैंने इस तरह से सोल्ड किया है। अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको स्पंज लगा लेना है, कुछ इस तरह से आपको रख लेना है, और साइड से आपको इस तरह से ले लेना है। अब आपको एक क्या कहिए, धागा चाहिए, या आप इसे लपेट ले, तो आपको कुछ भी एक चीज़ चाहिए जो आप इसे लपेट सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ, एक धागे से इसे लपेट कर इस तरह से आपको पहले पकड़ लेना है, और फिर एक धागा ले लेना है। मैं एक धागा लगा रहा हूँ, आप जो लगा सकते हो वो लगा लेना दोस्तों, आपको समझना बेटर है, बाकी आप जो समझो। तो आप क्या करो कि इस तरह से इसे फोल्ड कर दो, और मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से लगाने के बाद आपको क्या करना है। आप पहले लपेट लो, मैं आपको बताता हूँ, मैं कट कर देता हूँ यहाँ वीडियो, देख लीजिए मैंने इस तरह से लपेट लिया है। अब जो आपको एक्स्ट्रा ये आया है आप इसे कट कर दो। अब कट करने के लिए आप कैंची वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो इस तरह से कट कर देना है आपको। कट कर देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इसे टेप मार देना है। आपको साइड से दिख रहा है, आप ब्लैक टेप मार सकते हो तो ब्लैक टेप मारना, मेरे पास वाइट है तो मैं वाइट टेप मार के दिखाता हूँ आपको। तो कुछ इस तरह से हमारा माइक दिख रहा है दोस्तों, तो अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों कि हमें काम आ रहा है, तो अभी तो बहुत अच्छे से वर्क करेगा ये। और आपको करना है कि दोस्तों, एक आपको कॉलर पे लगा लेने के लिए एक पिन मिल जाएंगे आपको दुकान पर, शॉप पर, तो आप वहाँ से एक ले सकते हो, या एयरफोन में एक लगी होती है, तो मैंने कुछ इस तरह से लगाया है। मुझे इसकी ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से ऑलरेडी बनाया है। और एक चीज़ क्या कर सकते हो दोस्तों आप इसमें, कि आप इसे वायर बढ़ा भी सकते हो। मैंने जो आपको बताया ना कि दो वायर आती है, तो आप वहाँ पर जॉइंट करके इसे वायर को लंबा भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। ये जो है छोटी सी वायर है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी है तो आपको बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएंगे, इसलिए आपको वायर बढ़ाने का काम नहीं। लेकिन आपको यूट्यूब के लिए लग रहे हैं तो आप वायर बढ़ा लेना। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो इस तरह से मेरा माइक बनाया हुआ है यूट्यूब के लिए। मैं जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, आपने देखा है इससे पर सबसे पहले जो मैंने रिकॉर्ड किया वो मेरा माइक ये है। तो मैंने कुछ इस तरह से पीली वायर उसमें लगाई है, और मैंने जो बनाई है वो एक पेन के टोपन से बनाई है। आप देख सकते हो कॉलर पर लगाने के लिए एक पेन का टोपन है दोस्तों, वो मैं लगा लेता हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से बजट लगाया हुआ है इसका, और आपको पेन का टोपन भी चलेगा अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो। अगर आपके पास क्लिप भी नहीं है तो आप पेन के टोपन से भी ये बना सकते हो, मैंने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दो, और नए हो अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। मैं ऐसी वीडियो लाता हूँ मेरे चैनल पर आपके फ़ायदेमंद के लिए, तो लाइक कर देना। मिलते हैं इसी दोस्तों अगले मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।